नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 130 रनों से हराया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप के पुल बी के मैच में भारतीय टीम ने शानदार खेल से दक्षिण अफ्रीका पर विशाल जीत दर्ज की। भारतीय टीम खेल के हर विभाग में दक्षिण अफ्रीका पर हावी रही और उसे 130 रनों से परास्त कर दिया। टीम की इस जीत में शिखर धवन का शतक और अजिंक्य रहाणे की 79 रनों की तेज पारी का अहम योगदान रहा। आर अश्विन ने 3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा दो दो खिलाड़ियों को आउट करने में सफल रहे। शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शानदार जीत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। योग से कम होंगे बलात्कार। वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने विवादित बयान दिया है। जोशी ने कहा है कि यदि हर आदमी अपने जीवन में योग को अपनाए तो इससे देश में बलात्कार की घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। जोशी ने यह भी कहा कि मुस्लिम दिन में 5 बार योग करते हैं और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को सबसे महान योगी बताया। अन्ना हजारे फिर करेंगे आंदोलन। भूमि अध्यादेश के खिलाफ सोमवार से यहां 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने इस अध्यादेश को किसान विरोधी करार दिया है और उन्होंने कहा कि चाहे तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आम लोगों के साथ बैठना होगा। गांधीवादी नेता अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मंच पर स्थान देने के लिए उनके संवैधानिक पद का सम्मान किया जाए या नहीं, ये फैसला प्रदर्शन के समय ही किया जाएगा।